अगर आप रूखे बालों की चमक और लस्टर वापस पाना चाहते हैं और एक स्लीक और स्ट्रेट लुक चाहते हैं, तो आपके लिए केराटिन थेरेपी के कोको केराटिन ट्रीटमेंट से बेहतर कोई उपाय नहीं। ये ऐसे काम करता है जैसे कि बालों की सारी अच्छी प्रक्रियाएं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट कंसल्टेशन के साथ शुरू होती हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जिसमें ना तो बालों का रंग बदलता है और ना ही फीका होता है। क्लाइंट के बालों के टेक्सचर को एग्जामिन करें और इंश्योर करें कि आप फाइनल रिजल्ट के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। एक बार जब आप एंड रिजल्ट अच्छी तरह समझ जाएं, तब बालों को अच्छी तरह धोने से प्रोसेस की शुरुआत करें, और वो भी के हेयर थेरेपी के क्लैरिफाइंग शैम्पू से, एक नहीं दो बार। वर्जिन बालों के लिए ये 3 बार तक होना चाहिए, लेकिन केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए 2 बार ही काफी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट को स्कैल्प पर मसाज नहीं करना है और ना ही रगड़ना है। इसके बाद बालों को 100% तक टॉवल ड्राई करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि बालों से पानी न टपक रहा हो। बालों को बराबर सेक्शंस में बांट लें। अधिकतर हेयर टाइप्स में वॉल्यूम के हिसाब से 4 से 5 सेक्शंस करने होंगे। अधिकतर केमिकल ट्रीटमेंट की तरह इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइंट के बालों पर ट्रीटमेंट लगाने के पहले आपने ग्लव्स पहने हों। अब एक के बाद एक बालों के सेक्शंस पर सफिशिएंट अमाउंट में ट्रीटमेंट लगा दें, ये ध्यान में रखते हुए कि वो बराबर मात्रा में लगे। नेप एरिया से शुरू करके बालों की टिप तक आएं, ये ध्यान में रखते हुए कि ट्रीटमेंट स्कैल्प से 1/2 इंच की दूरी तक ही लगे। शोल्डर लेंथ बालों के लिए रिकमेंडेड मात्रा 30 से 35 ml के बीच है, जबकि मिड वेस्ट लेंथ बालों के लिए 40 से 45 ml और वेस्ट लेंथ बालों के लिए लगभग 50 से 55 ml है। हर सेक्शन में ट्रीटमेंट लगाना जारी रखें। जैसे ही पूरा ट्रीटमेंट लग जाए, ट्रीटमेंट को इवनली स्प्रेड करने के लिए बालों को कॉम्ब करें। अब अपने बालों को रैप करने के लिए शावर कैप यूज करें और बालों को 10 मिनट तक स्टीम करें। अब शावर कैप लगी रहने दें और 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर बालों को प्रोसेस होने दें। वर्जिन हेयर के केस में इसे बढ़ा दें। बालों को 10 मिनट तक स्टीम करें और 35 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर शावर कैप लगी छोड़कर प्रोसेस होने दें। इसके बाद मीडियम हीट पर फाइन सेक्शंस लेते हुए बालों को 100% ब्लास्ट ड्राई स्ट्रेट करें। प्रोसेस पूरा होने पर सेरामिक फ्लैट हेयर आयन से बालों के हर सेक्शन को 6 से 7 स्ट्रोक्स के साथ डिजायर्ड टेम्परेचर पर आयन करें बालों के टाइप के अनुसार। वर्जिन बालों के लिए आयन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कलर्ड या केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए आयरन का टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओवर प्रोसेस्ड या सेंसिटाइज बालों के लिए आयनिंग टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर आयनिंग है, जिससे 5 से 6 महीनों तक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट इंश्योर हो सके। कोको ट्रीटमेंट आपके बालों को एक्सट्रीम रिपेयर देगा और उनकी नेचुरल शाइन को फिर से लौटाएगा। अब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, देखें बाल कितने रेशमी, सीधे और लाइवली हो उठे हैं। यही तो है परफेक्ट शाइनिंग और हेल्दी बालों की डेफिनेशन। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्लाइंट को सलाह दें कि वो कम से कम 48 घंटे तक बालों को न धोएं
और केयर थेरेपी के रेकमेंडेड आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स को ही यूज करें।